नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनबॉक्सिंग ग्रीम चैनल पे। दोस्तों आप देख सकते हो i7 STWS, इनको आप जो सिर्फ 200 में खरीद पाएंगे। दोस्तों आप एक बजट में सस्ता TWS खरीदना चाहते हो तब इनको ट्राई कर सकते हो। दोस्तों प्राइस के हिसाब से इनको क्वालिटी कैसा है और इसका फीचर्स क्या क्या देखने को मिलता है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। आपका पूरा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। और दोस्तों आप एक बजट में सस्ता TWS खरीदना चाहते हो तो इनको ट्राई कर सकते हो, सिर्फ 200 में आपको मिलेगा। कहाँ से खरीदेंगे मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है और आप एक बजट प्राइस में TWS खरीदना चाहते हो तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का पैकेजिंग हमको ग्लू रोड से मिला है। तो दोस्तों हमने जो है 3 पीस i7 STWS का ऑर्डर किया था। तीनों का प्राइस मिला के आप देख सकते हो 631 रुपीस टोटल प्राइस आया है। और दोस्तों आपको इस ब्लूटूथ ईयरबड्स में 2.4 GHz ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये आप जो है iOS एंड्रॉयड दोनों में इसको चला पाएंगे। और दोस्तों ये चाइनीज प्रोडक्ट है और ब्लूटूथ रेंज आपको 12 मीटर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको जो है यूज़र मैनुअल और चार्जिंग केबल इसके साथ देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर। दोस्तों इस ईयरबड्स के अंदर लिथियम आयन का बैटरी यूज़ किया गया है। ईयरबड्स के अंदर 50 mAh का बैटरी है और डॉक के अंदर 600 mAh का बैटरी है। सो दोस्तों इसके साथ आपको जो माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिल जाता है, इसके मदद से आप ईयरबड्स को किसी भी मोबाइल के चार्जर पावर बैंक से चार्ज कर पाएंगे। 1.5-2 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाता है। और दोस्तों एक बार फुल चार्ज होने के बाद आप ईयरबड्स को लगातार इस्तेमाल करते हो, कॉलिंग के बात करते हो, वीडियो वगैरह देखते हो, तो गाना वगैरह सुनते हो, तो आपको जो है 2 से 3 घंटा बैकअप दे देगा। मैंने यूज़ किया था लगभग 90% वॉल्यूम यूज़ करके, तो मेरे को जो है 2 घंटा 20 मिनट बैकअप दे दिया था। और दोस्तों एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप जो है ईयरबड्स को 2-2.5 घंटा लगातार चला पाएंगे, उसके बाद आप फिर से चार्ज कर पाएंगे डॉक के अंदर 2 टाइम आप जो है एक बार फुल चार्ज करने के बाद चार्ज कर पाएंगे। तो बैकअप काफ़ी अच्छा है दोस्तों और बहुत ही लाइट वेट है और फिनिशिंग मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस के हिसाब से लुक काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट और डिज़ाइनिंग ऑसम है। फिनिशिंग वेल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल प्राइस के हिसाब से। और साइज़ भी काफ़ी छोटा है इसलिए आप जो है इसको बहुत ही आसानी से कैरी कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको परचेज करना चाहते हो तो ऑफलाइन में ट्राई कीजिए, ऑफलाइन में आपको 150 में ये मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोग सुन सकते हो साउंड काफ़ी लाउड है। दोस्तों इस ईयरबड्स में आपको 2 लैंग्वेज में बोलता हुआ देखने को मिल जाता है, चाइनीज़ और इंग्लिश। आप जो है उसको स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो आप जैसे सर्च करोगे आपको i7 TWS दिखने को मिलेगा, उसका क्लिक करने से ही तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों चाइनीज़ में जो कहा है आप कमेंट करके मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया। आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ईयरबड्स में आपको एक बटन मिल जाता है, उस बटन को आप 4 बार प्रेस करते हो तो लास्ट जिससे कॉल में बात किए थे उसको कॉल लग जाएगा। और 3 बार प्रेस करने से गूगल असिस्टेंट आ जाता है। और दोस्तों 5 बार आप क्लिक करते हो बटन को तो आपको जो है इसमें जो लैंग्वेज है चाइनीज़ से इंग्लिश में आ जाएगा और इंग्लिश से चाइनीज़ में आ जाएगा। और इसमें आप बटन को 1 से 2 बार प्रेस करके होल्ड करके रखते हो तो आप वीडियो जो है नेक्स्ट कर पाएंगे। और दोस्तों लेफ़्ट वाला ईयरबड्स और राइट वाला ईयरबड्स दोनों अलग अलग बटन का काम करता है, मतलब आप किसी भी वीडियो को जो है नेक्स्ट करना चाहते हो तो राइट साइड के ईयरबड्स को आप 1 बार क्लिक करके दोबारा से इस बटन को प्रेस करके रखते हो तो जो है वीडियो नेक्स्ट हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड वाला जो ईयरबड्स है उसको आप 1 बार प्रेस करके दोबारा प्रेस करके होल्ड करके रखते हो तो आपका वीडियो जो है प्रीव्यूस में चला जाएगा। और उसके बाद आप जो है दोनों बटन को एक साथ में प्रेस करते हो दोस्तों वीडियो प्ले पॉज कर सकते हो, एक बटन को भी क्लिक करके आप जो है प्ले पॉज कर पाएंगे। और दोस्तों इस बटन की मदद से आप कॉल रिसीव रिजिक भी कर पाएंगे। और दोस्तों मैंने कॉलिंग पे बात करके देखा ईयरबड्स का जो माइक है साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक ही ईयरबड्स से माइक चालू रहता है। आप जिस ईयरबड्स को आप मोबाइल से पहले कनेक्ट करेंगे उसी ईयरबड्स से आपके कॉलिंग पे माइक का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों ईयरबड्स का जो साउंड क्वालिटी है फ़ोन में बात करके मैंने देखा काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों साउंड काफ़ी लाउड है।
सो दोस्तों प्राइस के हिसाब से ईयरबड्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आप एक सस्ता सा TWS ब्लूटूथ ईयरबड्स ईयरफोड्स खरीदना चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर या फिर इस TWS के अंदर आपको कोई भी सवाल एंड सुझाव होगा कमेंट करके हमको बताना, और आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।